स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में। तो कॉपर पाइप को कैसे रोल करें जो पुराना वाला कॉपर पाइप होता है दोस्तों, तो यही बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा लाल बटन दोस्तों, दबा दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है तभी कॉन्फिडेंट आएगा। और ठीक है दोस्तों, तो लाल बटन है सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको दबा के क्लिक तो करना है भाई, दबा दीजिए। तो दोस्तों यही कॉपर पाइप है जिसे मैं रोलिंग करूंगा। ठीक है, तो ये हाफ और क्वार्टर का पाइप है जो एसी में लगता है। इंडोर और आउटडोर में इसका ऑलरेडी उतार दिया हूं। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका जो जहां जहां लगा हुआ लॉक उसको हटा दूंगा, इसको भी अथॉरिटी से हटा दूंगा। ठीक है, और अच्छी तरीके से उतारूंगा ताकि पाइप निकालते वक्त कहीं से भी पंच ना हो। ठीक है दोस्तों, एक यहां लॉक था, यहां से भी मैंने हटा दिया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ऑलरेडी इसका इंडोर और आउटडोर हटा दिया हूँ। ठीक है, तो मैं इस पाइप को रोलिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे अच्छी तरीके से हम रोल करेंगे ताकि पाइप जो है वो पंच ना हो। ठीक है, नया पाइप तो ऑलरेडी मतलब रोल होके आता है, बट ये जो ओल्ड वाला है इसको किस तरह से सेफ तरीके से करें ताकि ये पंच ना हो और दूसरी जगह पर हम यूज कर लें, यानी पचक ना जाए। ठीक है, जो भी वायर वगैरह इधर उधर हो गया मैं उसको लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कॉपर का पाइप खींच लूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों लाल बटन है दोस्तों, मारिए, ईंट मारिए, पत्थर मारिए, कुछ भी दोस्तों उसको बस दबा के तोड़ फाड़ दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, क्यों जब सपोर्ट मिलेगा तो मैं एक एक पार्ट एसी का जो होता है, फ्रिज का जो होता है, वॉशिंग मशीन का जो होता है, हर एक चीज़ में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये पानी का ड्रेन पाइप है जिसे मैं निकाल लूँगा अलग से। ठीक है दोस्तों, आपको इंडोर में दिखा देता हूँ। इधर से देखिए, यहाँ से पाइप अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों जिस प्रकार से मैं बताऊंगा आपको रोल करने के लिए उसी प्रकार से रोल करना है। ठीक है, तो अब ये मैं यहाँ से इसको खींच दूंगा। शीशा है दोस्तों, थोड़ा आराम से खींचना पड़ेगा वरना शीशा टूट जाएगा तो कस्टमर नाराज हो जाएगा, उसे पसंद नहीं पड़ेगा। तो अच्छी तरीके से मैं इसको खींचूंगा। ठीक है, तो देखिए बड़ी आसानी से ये निकल गया और सीधा सीधा मैं निकाला हूँ ताकि कहीं से भी मतलब टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए। ठीक है, तो मैं देखिए कॉपर पाइप पूरा बाहर निकाल दिया हूँ। ठीक है, और देख सकते हैं आगे साइड में थोड़ा मोड़ा टेढ़ा है, तो मैं इसको पहले जूता पहन लूँगा ताकि अच्छे से मतलब इसको जो मैं रोलिंग करूँगा तो बढ़िया तरीके से रोल हो जाए। और देख सकते हैं यहाँ पे इंडोर आउटडोर रखा है जो मैं मतलब ऑलरेडी मैंने निकाल दिया है इसको बाहर। पर दोस्तों कॉपर पाइप किस तरह से रोल किया जाता है इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये काफ़ी लंबा पाइप है देख सकते हैं कॉपर का, और इसमें थोड़ा गैस भी एक्स्ट्रा लगता है दोस्तों। इतना लंबा पाइप तो होना नहीं चाहिए था बट कस्टमर ने लगा रखा था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो ये मतलब बना हुआ यू टाइप का उसको मैं सीधा कर दूंगा आराम आराम से पैर से, देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी सीधा कर लेना है। ठीक है, देखिए मैंने सीधा कर दिया अच्छी तरीके से। अब क्या करूँगा, मैं एक पैर लूँगा, ठीक है, एक पैर ज़मीन में होगा, एक कॉपर पाइप के ऊपर होगा, एक हाथ से पकड़ लेंगे पाइप को और सेम ऐसा ही धीरे धीरे करके मतलब ऊपर उठाए जाना है हाथ से और पैर से जाते जाना है। देख सकते हैं कितना अच्छा गोल गोल रोल हो रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों राउंड करना है, इसी प्रकार से पूरा कॉपर पाइप को राउंड करूँगा। देख सकते हैं आप वीडियो, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ऊंचा है तो मैं इसको आराम से करूँगा। थोड़ा देखिए सीधा हो गया ये भी, और दोस्तों इतना भी तेज नहीं जाता है पैर से कॉपर पाइप को कि वो पचक जाए वहाँ से। ठीक है, एक नॉर्मल मोड पे यानी मेंटेन करके ही मतलब दबाना है। देख सकते हैं कितना गोल गोल मतलब राउंड हो रहा है, और ये पाइप कहीं भी ले जा सकता है कस्टमर, कार में रख के या फिर किसी भी चीज़ में। देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यार से कितने अच्छी तरीके से ये रोल हो रहा है। देख सकते हैं आप, अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैंने एक किस प्रकार से मतलब पाइप उप निकाला हूँ और इसको कितनी अच्छी तरीके से रोल किया हूँ। देख सकते हैं कितना गोल गोल और अच्छी तरीके से रोल हुआ, कहीं से भी पंच वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है।
देखिए दोस्तों लगभग मैंने पूरा का पूरा रोल कर दिया और देख सकते हैं कितना रोल हुआ, अच्छी तरीके से मैंने इसको किया है रोल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने पूरा का पूरा रोल कर दिया कोपर पाइप को, हाफ क्वार्टर का कोपर पाइप था एसी के लिए जो इंडोर और आउटडोर में लगता हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है तभी कॉन्फिडेंट आएगा। और देख सकते हैं इंडोर आउटडोर मैंने ऑलरेडी निकाल दिया। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू वॉच करने के लिए।